हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल मेडिक टॉक्स पे। हमारी नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट चैप्टर है न्यूरोग्लिया। तो ये न्यूरोग्लियल सेल्स है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के सपोर्टिंग सेल्स है। ग्लिया का मीनिंग होता है ग्लू। ग्लू जैसे चिपक के दो चीज़ों को सपोर्ट करता है, उसी तरह से ये न्यूरोग्लियल सेल्स है वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। अभी इनकी तादाद न्यूरॉन्स से 10 से 15 गुना तक ज्यादा होती है। ये जो सेल है वो इंपल्स को ट्रांसमिट नहीं करते, एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट नहीं करते, इसीलिए इनको नॉन एक्साइटेबल और नॉन न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। जब भी कोई नव में इंफेक्शन लगता है तब ये सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हमारे नर्वस सिस्टम में जब भी कोई ट्यूमर होता है तो जनरली एंड कॉमनली इन्हीं सेल्स में वो ट्यूमर पाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन की। तो ये जो न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल्स है वो दो टाइप के होते हैं, पहला है सेंट्रल और दूसरा है पेरिफेरल। सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स भी तीन टाइप के होते हैं, पहला है एस्ट्रोसाइट, दूसरा है माइक्रोग्लिया और तीसरा है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। पेरिफेरल न्यूरोग्लिया सेल्स दो टाइप के होते हैं, पहला है स्वान सेल्स और दूसरा है सैटेलाइट सेल्स। सबसे पहले हम सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है एस्ट्रोसाइट्स। तो ये जो एस्ट्रोसाइट्स है ये स्टार शेप्ड होते हैं और इनके भी दो टाइप होते हैं, पहला है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट कि जो कुछ इस तरह से होता है। ये फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स जो है मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही देखा जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के व्हाइट मैटर में देखा जाता है। इसका मेन रोल है नर्व सेल बॉडी और सिनेप्सिस को सपोर्ट करना, और इससे भी इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। ब्रेन की जो कैपिलरीज है उस पे ये टाइट जंक्शंस बनाता है और ये टाइट जंक्शन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में हेल्प करते हैं। इसी टाइट जंक्शन की वजह से और ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से सभी जो सब्सटेंस है ब्लड से वो ब्रेन में एंट्री नहीं ले पाते हैं और इस तरह से ब्रेन टिश्यू का डैमेज जो है वो रोका जा सकता है। अब है दूसरा टाइप और वो है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। सो ये जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्रे मैटर में पाया जाता है। इनका जो शेप है वो कुछ ऐसा है। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है, ग्रे मैटर में पाए जाते हैं और इनका मेन फंक्शन है नर्व सेल बॉडी को सपोर्ट करना। ये दोनों जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो न्यूरॉन्स के बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो केमिकल है उनका भी ये रेगुलेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रोग्लिया या माइक्रोग्लियल सेल्स की। तो ये जो माइक्रोग्लिया है वो मोनोसाइट से डिराइव्ड होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मोनोसाइट्स है वो हमारे ब्लड के फेगोसाइटिक सेल है। तो ब्लड से ये सेल्स नर्वस टिश्यू में एंटर होते हैं और माइक्रोग्लिया फॉर्म करते हैं। ये सबसे
छोटे स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया है और इनका मेन फंक्शन है जब भी कोई इन्फेक्शन हो तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करना और जो सेलुलर डेब्रिस होती है उनका भी फेगोसाइटोसिस करना। इसी तरह ये इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करते हैं। उनका शेप कुछ इस तरह से होता है। यह है माइक्रोग्लिया। ओके, तो ये था रिगार्डिंग माइक्रोग्लिया। अब सबसे लास्ट में आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या ओलिगोडेंड्रोग्लिया। इसके बारे में पहले भी हमने एक बार चर्चा की है हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में। तो ये जो ओलिगोडेंड्रोग्लिया है वो क्या काम करता है, तो जैसे हम जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल और न्यूरिलेमा नहीं होता है। स्वान सेल और न्यूरिलेमा का मेन फंक्शन है मायलिन सीथ बनाना। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मायलिन सीथ कौन बनाएगा, तो वो काम करते हैं ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये सेल्स जो है इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मायलिन सीथ बनाने का फंक्शन करते हैं। तो ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स। अब हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स। तो कौन कौन से है ये, तो सबसे पहले आता है स्क्वान सेल्स, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो स्वान सेल्स है वो एक्सॉन के ऊपर जो न्यूरिलेमा होता है उसमें होते हैं। ये स्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मायलिन सीथ का फॉर्मेशन करता है और जब भी नर्व में कोई इंजरी होती है तब रीजनरेशन में भी ये हेल्प करता है। दूसरा है सैटेलाइट सेल्स। तो ये जो सैटेलाइट सेल्स है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करता है और ये न्यूरॉन्स के आजू बाजू का जो केमिकल होता है उस केमिकल को भी ये रेगुलेट करता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूरोग्लिया। तो यहां हम हमारे ये चैप्टर एंड करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारी चैनल मेडिक टॉक्स, और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।